इमाम की सजा माफ करने का अधिकार है। और आपके वाचन को मैं पूरे मध्य प्रदेश के कैदियों की एक माह की सजा को माफ करने की आवश्यकता है। यहां एम्बुलेंस नहीं है, कैसे क्या कहा है सुपरिटेंडेंट का? एम्बुलेंस नहीं है ना, एक एम्बुलेंस बताओ तो कभी हमारा अपना बिल्डिंग को डिलीवरी को नहीं करवाओ, जो सुविधा इनको चाहिए उसका दिलवाओ, जो कटौती कचरा की होती है उसे बढ़ाओ, तो उस रकम को भी बढ़ा दो जिससे अलग सुरक्षित रकम कर पाए। और कैंटीन वाली सुविधा इनकी जो है ना उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए मित्रों, ये सब क्षणिक है मत फैलाने के लिए। वास्तविकता तो यही है कि आपकी पीड़ा से मैं भी दुखी हूं। मैं हर साल ही जेल में मनाता हूँ, स्थान बदल जाता है सिर्फ। पिछले साल भी जेल में ही मनाया था, फर्क ये था कि वो भोपाल जेल थी। आज मैंने एक माह की कैदियों की सजा माफी की घोषणा की है। ग्वालियर में एम्बुलेंस की, डबल स्टोरी बिल्डिंग की, कैंटीन की, ये सारी घोषणाएँ आज यहाँ पर कैदियों के लिए की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसलिए उनके चरणों में नमन किया और जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अमित शाह जी दौरे पर हैं क्या? पलक पांवड़े बिछाकर उनके स्वागत की तैयारी है। ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर को पुनः आज़ाद किया, 370 हटाई, 35 से हटाई, लद्दाख को जिसने आज़ाद किया, सीए लेके जो व्यक्ति हमारे माननीय अमित शाह जी के कीर्तमान अनेक जुड़े हुए हैं, ऐसे देश के माननीय गृह मंत्री जी का पूरे प्रदेश की जनता पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। मनीष सिसोदिया की यहाँ पर सरकार काम कर रही है, हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। देखो, जो भी जांच एजेंसी है वह कानून अपना काम करता है। अगर कोई भी निष्पक्ष हो तो मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसके सामने अपनी बेगुनाही बताए, वो डरते क्यों हो? सर, सीएम साहब को